उस समय झारखंड में विधानसभा के चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड में होने वाले चुनाव में अपनी अहम भूमिका को देखती है। हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से संगठन के स्तर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूत हुई है और मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक मजबूत जनाधार झारखंड के राज्य में, और मैं जब अपनी बात करूं तो मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड और बिहार एक ही राज्य था, उस नाते मेरी जन्मभूमि भी झारखंड है और मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि भी झारखंड है। ऐसे में अपने पिता के उस सपने को पूरा करने निकला हूँ जिसमें उन्होंने एक विकसित झारखंड के निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया था। आइए, ऐसे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में झारखंड में पार्टी मजबूती से अपना प्रदर्शन करे। चुनाव इससे पहले कि आप लोग पूछें कि गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले, ये राज्य इकाई को इसका फैसला करना है कि गठबंधन में चुनाव या अकेले। राज्य स्तर पर अभी बातचीत चल रही है। मैं मानता हूं कि लोकसभा नोटिफिकेशन आते आते तक ये परिस्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम बातें फिलहाल गठबंधन के भीतर चल रही हैं। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा कि कोई भी चर्चा अगर मैं सार्वजनिक तौर पर पहले करूं, एक बार गठबंधन के भीतर ये चर्चाएं हो जाए, ये तमाम जानकारी उसके बाद साझा की जाए। देखिए, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने बिहार झारखंड को और देश के सामने हमारे राज्य को शर्मसार करने का काम किया, जिस तरीके से मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वजह से भ्रष्टाचार के आरोपों में जिस तरीके से वो जेल गए, देश ही नहीं दुनिया के सामने झारखंड राज्य को अपमानित होना पड़ा। ऐसे में झारखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। ये बात तय है कि चुनाव परिणामों के बाद बिहार झारखंड में एक नई सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका हो। भाई, ये तमाम बातें जांच का विषय है। आने वाले समय में ये भी तय हो जाएगा कि कौन कितना पानी में है। माने आप लोग क्या 4-5 सीट का जो मांग कर रहे थे उसका नंबर है क्या? यहाँ पे जरा सी बातें सामने आए से पक्की बात रखिए। और क्या जी, केंद्र में आप सामने के बारे में भाई, फिलहाल पार्टी का मंच है मोदी के तारीफ में आप रहते हैं। मैं ये फिलहाल ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये मंच है, मेरी पार्टी का मंच है, मेरे कार्यकर्ताओं का ये मंच है। एनडीए के मंच पर जिस दिन हम लोग शामिल होंगे या जिस दिन हम लोग रहेंगे या जिस दिन भी हम लोग रहते हैं, वो भले राष्ट्रीय स्तर पर हो, बिहार के स्तर पर हो, हम लोगों ने हमेशा गठबंधन की बातों को रखने का काम किया। आज मैं यहाँ पे गठबंधन के नेता के तौर पर नहीं, केंद्रीय मंत्री की हैसियत से नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपने नेता की बातों को यहाँ पे रखा, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक हमारे नेता हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के कार्यों को जनता के बीच रखने का काम किया और पार्टी की नीतियों को यहाँ पर रखने का काम किया, क्योंकि ये पार्टी का मंच है। भाई, जैसा मैंने कहा कि ये तमाम बातें राज्य इकाई को तय करनी है और इन लोगों की बातचीत चल रही है। अगर हम लोगों के अनुरूप रहा तो हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का भी फैसला लेती है, पर ये तमाम फैसले राज्य इकाई को लेने हैं। राज्य इकाई का फैसला जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा तब उस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। नोटिफिकेशन
अधिसूचना जारी होने तक ये तमाम फैसले ले लिए जाएंगे। थैंक यू।